बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोर्स की 14th वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम कार सिलेक्शन और ट्रैक सिलेक्शन को फाइनलाइज करेंगे। इस सेक्शन में मैंने इस सेक्शन को, ये जो ट्रैक वाला पैनल है, इसको ऑर्गेनाइज कर दिया है और एक गेम ऑब्जेक्ट के अंदर इसके कंपोनेंट्स डाल दिए हैं। तो इसको अगर हम डिसेबल करें तो ये वाला पैनल हाइड हो जाता है। तो हम चाहते ये हैं कि जब यूज़र जो है वो इस पर क्लिक करे किसी भी कार पे, तो कार सेलेक्ट हो जाए और फिर उसके बाद वो उसके सामने ट्रैक अपीयर हो और वो ट्रैक को सेलेक्ट कर सके। तो इसलिए ये हमने किया। इसके लिए फिर दो स्क्रिप्ट्स हम लिखी, जिसमें से एक ग्लोबल कार स्क्रिप्ट है और इसमें हम मैंने वेरिएबल्स कुछ बनाए, जिसमें सबसे पहले तो इंटीजर कार टाइप दे दी और फिर उसके बाद में फंक्शंस लिखता गया। तो फंक्शंस जो हैं वो हमने पहला फंक्शन बनाया कार के नाम से ही, निसान और BMW और लेम्बोर्गिनी और पेजिनी। और जो बॉडीज थी हमने जो चेंज की सीन में, ट्रैक वन में, वो उनके नाम भी मैंने रीनेम कर दिए इन्हीं नामों के साथ, तो ताकि ये मैच हो जाएं। तो अब हम देखेंगे कि ये स्क्रिप्ट काम कैसे करेगी। तो अब हम यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाएंगे गेम ऑब्जेक्ट और इसको हम नाम दे देते हैं कार चॉइस की, या ग्लोबल कार नाम दे देते हैं इसको भी। और इसके ऊपर हम ये वाली स्क्रिप्ट जो है वो ऐड कर देंगे। यहाँ स्क्रिप्ट जब हमने ऐड की तो ट्रैक विंडो की ये विंडो अपीयर हो रही है, तो यहाँ पे हम ट्रैक विंडो को ड्रैग ड्रॉप कर देंगे। दैट्स इट, ये हमारा काम हो गया। उसके बाद हम अगर लेट्स प्ले और चेक करते हैं। अभी हमने बटन्स पे फंक्शन कोई दिया ही नहीं है, तो अभी हमने बटन्स पे फंक्शंस भी देने हैं। तो बटन को सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले निशान, और निशान बटन के साथ हम जो है ये वाली स्क्रिप्ट ऐड करेंगे ग्लोबल कार, और इसको BMW के साथ भी ऐड कर देते हैं और लैम्बोर्गिनी बटन पे भी और इस पे भी, लास्ट वन पे भी। तो निशान पे जाते हैं और यहाँ पे हम ऑन क्लिक पे प्लस हम चूज़ करते हैं, और सबसे पहले तो ये इधर आपके पास आ रहा है ट्रैक विंडो, तो ट्रैक विंडो भी यहाँ पे ले आएंगे, ताकि इसके बाद सेलेक्ट होने के बाद ट्रैक इसको पे जब क्लिक करें तो ट्रैक विंडो ओपन हो जाए। तो उसके बाद हम इस पे बटन ऐड करते हैं निशान, और यहाँ से हम फंक्शन चूज़ करेंगे, निशान फंक्शन चूज़ करेंगे, यानी जब इस पर क्लिक होगा तो निशान फंक्शन जो है वो कॉल होगा। तो उसके बाद BMW पे आ जाते हैं और इसको भी ऐसे ही करेंगे हम BMW, और इसमें हमने BMW का फंक्शन दिया है। इसके बाद लेम्बोर्गिनी है और क्यों कर लिया जी, और लास्ट वन ये कार आ गई हमारे पास। दैट्स ग्रेट, तो सेव कर लें। अब अगर हम रन करते हैं इसे तो ट्रैक करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी ये काम प्रॉपरली नहीं करेगी, निशान जो है वो सिलेक्ट नहीं होगी। अभी मैं बताता हूँ आपको, उसके लिए हमें थोड़ा सा ट्रैक वन पे भी काम करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं आप, निशान सिलेक्ट नहीं होगी। तो हमने कार को सिलेक्ट भी करवाना है, तो उसके लिए हम अब चले जाएंगे ट्रैक वन पे, जो कि हमारा ट्रैक है, और यहाँ पे हमने एक काम करना है। यहाँ पे एक नया हम गेम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आप क्रिएट और क्रिएट एम्प्टी,
एंड देन गेम ऑब्जेक्ट, सॉरी इसको हम कह देते हैं कार चॉइस, और फिर हम अपनी कार चॉइस की जो स्क्रिप्ट है उसको ऐड करते हैं कार चॉइस गेम ऑब्जेक्ट पे। और यहाँ पे अब आपको नज़र आ रही हैं जो यहाँ पे हमने अपनी कार्स के जो शेल थे, जो बॉडी हमने चेंज की थी, तो वो हमने यहाँ पे ऐड कर देने हैं ऑब्जेक्ट, गेम ऑब्जेक्ट्स। तो उसके लिए हम जाएंगे प्लेयर में, और ये हमारे पास आ रही हैं जी प्लेयर के अंदर स्काई कार, और स्काई कार में हमारे पास ये बॉडीज आ रही हैं निसान और पजेनी। इसको भी डिफ़ॉल्ट में इसको भी हाइड कर सकते हैं आप, हाइड करेंगे ज़रूर। और निसान को अब हमने, सॉरी ये दोबारा से कार चॉइस पे क्लिक करें, और अब इनको हम ड्रैग ड्रॉप करेंगे टू देयर रिस्पेक्टेड फील्ड्स। ग्रेट, तो यूँ हमने ये ऐड कर ली सारी कार्स। और अब जब हम ये गेम यहाँ पे रन करते हैं तो आपको ये नज़र आएगा, लेकिन जब कार चॉइस करेंगे और प्रॉपरली गेम रन होगी तो ये कार का शेल जो है वो उठा लेगा। तो लेट्स ट्राई दैट, ट्राई करते हैं, मेन मेन्यू पे जाते हैं, प्ले द गेम, और अब हम कोई और भी टेस्ट कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम तो देखते हैं बिल्कुल ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल को इधर ही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।